मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का यह अद्भुत नज़ारा। हज़ारों लाखों की संख्या में दर्शक उमड़े हैं भारत और न्यूजीलैंड के इस मैच को देखने के लिए, और गिल और कोहली काफ़ी समझदारी से खेल रहे हैं। देखिए दर्शक कितनी आशा के साथ उन्हें देख रहे हैं, और देखिए कितना बढ़िया प्लेस करा है गिल ने 4 रनों के लिए। अभी दर्शक काफ़ी आशाओं के साथ आज के इस मैच को देखने के लिए आए, और कोहली और गिल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आज आप सभी को लग रहा होगा कि कपिल को ये क्या हो गया है, क्रिकेट की कमेंट्री? पर आज जिस व्यक्तित्व से हम मिलने जा रहे हैं, उनकी आवाज़ के माध्यम से हिंदी भाषा में कई वर्षों से हम क्रिकेट के आंखों देखा हाल, फिर वो चाहे वर्ल्ड कप हो, T20, वनडे इंटरनेशनल या टेस्ट क्रिकेट मैच हो, सुनते आ रहे हैं। स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप सभी का इस चैनल पर, इन कॉन्वर्सेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए आप सभी के साथ बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं पद्मश्री आदरणीय श्री सुशील दोषी सर का। धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी हार्दिक नमस्कार। सर, 50 साल से अधिक इस फील्ड में, व्हाट इज योर बिगेस्ट लर्निंग? नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि जैसा किसी महापुरुष ने भी कहा है कि जीवन में सकारात्मकता लानी है, जैसा कि आपने भी अपनी विषय वस्तु में बताया कि सकारात्मकता लाना आपका उद्देश्य है, तो उन्होंने कहा था कि भाई सकारात्मकता अगर जीवन में लाना, मेरे ख्याल से साईं बाबा ने ही कहा था, तो खेलकूद की तरफ उन्मुख होइए, खेलकूद खेलिए तो आप में सकारात्मक विचार आएंगे। और क्रिकेटर्स की हम जीवनी देखें, जैसे क्रिकेट को तो हम जानते हैं कि एक जीने का तरीका ही कहते हैं कि जीवन की शैली होती है, जैसा आप उतार चढ़ाव जीवन में देखते हैं लगभग वैसे ही उतार चढ़ाव हम क्रिकेट में भी देखते हैं, तो आपका चरित्र बनाता है क्रिकेट। और जब आप कोई खेल खेलते हैं ना, तो हारा हुआ व्यक्ति भी आप उसकी भी इज्जत करते हैं, ये बहुत कम होता है। तो ये जब होता है तो मैं समझता हूँ कि आप एक मनुष्य की तरह आप ऊपर उठते हैं। और दूसरी बात ये, देखिए ईश्वर ने कई तरह के जीव बनाए, जानवर भी बनाए, लेकिन इंसान उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, और जब सर्वश्रेष्ठ कृति अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता है, वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है, वो चरित्र नहीं दिखाता है, वो विपरीत परिस्थितियों में साहस के साथ लड़ने की योग्यता नहीं दिखाता है, तो वो ईश्वर के साथ न्याय नहीं करता है। क्योंकि ईश्वर के चाहता है कि उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति वो ऐसी हो कि जो उसका नाम रोशन करे, जो अच्छा व्यवहार करे, जो सत्कर्म अच्छे करे, जो मनुष्य की तरह ऊंचा उठने की कोशिश करे, और हार जीत से परे भी एक मनुष्य जीवन को गरिमा प्रदान करे। सर, 50 ईयर्स में आप इतने सारे प्लेयर्स से मिले होंगे, इतने करीब से उन्हें देखा होगा आपने, ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने आपको बहुत प्रभावित करा और क्यों प्रभावित करा? नहीं, कई बातें हैं, जैसे सुनील गावस्कर से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, कई कारण हैं। एक तो करीब 21 या 22 सेंचुरीज का डिस्क्रिप्शन कमेंट्री मैंने की, उनके 34 शतकों में से 21 या 22 मुझे याद है कि मैंने कमेंट्री की थी, तो मुझे तो उन दिनों तो अखबारों में ये भी छपना लगा था कि सुशील और सुनील, जहाँ सुशील होता है वहाँ सुनील की सेंचुरी हो जाती, हालांकि मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता, काम तो वही कर रहे हैं जी। मेरा काम तो लोगों तक पहचाना, संजय की तरह, जैसे महाभारत में संजय था ना कि जो युद्ध का दूर जगह बैठकर कमेंट्री करता था कि युद्ध में क्या हो रहा है। वो 70s से 90s का दौर तो ऐसा ही था, जहाँ पे टेलीविजन्स कम थे और आपकी आवाज ने ही लोगों को, नहीं वो आपने बिल्कुल, वो स्वर्ण काल था रेडियो का और क्रिकेट का भी, तब लोग क्रिकेट को एक धर्म की तरह मानते थे, आज व्यवसाय हो गया है तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स रन्स ए पर्सन, इकोनॉमी जो होती है, जो वित्त वित्त जो बातें रहती है वो आदमी को चलाती हैं, लेकिन इतना भी नहीं चलाना चाहिए रुपये को, आदमी को इतना भी नहीं चलाना चाहिए कि रुपया आदमी को चलाने लगे। रुपये का मतलब रहता है आदमी रुपये को चलाए, लेकिन जब रुपया आदमी को चलाने लगता है तो फिर बात का महत्व ही खत्म हो जाता है। ऐसी कौन सी बातें थे सुनील गावस्कर जी की? हाँ जी, आपने जिक्र किया कि कई बातें हैं, एक तो धैर्य,
संकल्प की भावना और अब साहस, इसके कई तरह के उनके न केवल खेल में बल्कि खेल से बाहर भी कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूं कि मुझे याद है कि 1977-78 में हम ऑस्ट्रेलिया गए थे और तब सुनील गावस्कर ने पहले तीनों टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी और सामने टॉम्पसन जो क्रिकेट इतिहास के सबसे तेज गेंदबाज थे और जो क्रिकेट को जानते हैं वो जानते हैं कि देखिए रफ्तार ही नहीं, आपका हाथ कहाँ से आता है। जैसे मलिंगा का हाथ आड़ा आता था ना तो बल्लेबाजों को देर से दिखती है वो बॉल, तो टॉम्पसन की भी बात ये थी कि उनका थोड़ा सा स्लिंग एक्शन यानी आड़ा हाथ आता था थोड़ा, तो इसलिए बहुत रफ्तार में एक जबरदस्त धार बैठती थी, इससे बैट्समैन को बहुत देर से लाइन जज होती थी। तो बहुत ही मुश्किल बॉलर थे, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करते थे और शाम के वक्त हम लोग कई दफ़े साथ में बैठते थे और बात होती थी, तो वो कह रहे थे कि भाई मैं दुनिया का सबसे तेज़ गेंदबाज हूँ, लोग मुझसे दहशत खाते हैं, मुझसे डरते हैं और लोग सोचते हैं कि इसके बाद जो दूसरा बॉलर आएगा उस पर रन बनाऊंगा, लेकिन जब मैं सुनील गावस्कर को बॉलिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसके पास इतना वक्त रहता है, मुझे लगता है कि मैं तो धीमा गेंदबाज हूँ, कि इतना वक्त अगर उसके पास है स्ट्रोक खेलने का, मेरे जैसे 160 किलोमीटर की रफ्तार की गेंद खेलने का भी, तो तकनीक इसकी कितनी ऊंची। तो तकनीक देखिए कई बात सुनील गावस्कर खुद ही कहते हैं कि भाई आदमी की प्रतिभा तो जो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर ने जो प्रतिभा दी वो दी है, लेकिन मेहनत आपकी है, 90% मेहनत और 10% प्रतिभा, तो 90% अगर मेहनत में आपने 10% भी कम कर दिए तो आप एक मामूली खिलाड़ी बन जाते हैं। और उनका ये भी कहना था कि ईश्वर ने अगर हमें भेजा है तो हमें सर्वश्रेष्ठ बनकर दिखाने की कोशिश करनी। दूसरी बात उनके व्यक्तित्व के साहस की मैं कहना चाहूँगा कि साई बाबा के तो वो भक्त थे और हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जब 1977-78 में गए थे तब घायल हो गए थे और सबने कहा था कि ये खेल नहीं सकेंगे जी। तब एक भभूत उन्होंने साई बाबा की लगाई थी और सभी आशाओं के विपरीत वो खेल गए और 3 सेंचुरीज उन्होंने लगातार लगा दी पहले तीनों टेस्ट मैच के, और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि उन 3 सेंचुरीज का आंखों देखा हाल मैंने सुनाया। दूसरी बात उनके साहस की मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान गए थे हम 1982 में, वैसे 1978 में भी गया था मैं, और तब संगीनों के साये में खेल हो रहा था और ज़ियाउल हक उनके प्रेसिडेंट थे और सब जानते थे कि वो कितने क्रूर किस्म के व्यक्ति थे। तो उस समय सीरीज हो रही थी और एक पार्टी भारत के जो तरफ से दी गई थी शाम की, उसे मैं भी खड़ा था, सुनील गावस्कर वहाँ पर खड़े थे और भारतीय मैनेजर थे फतेह सिंह राव गायकवाड़, वो बड़ौदा के महाराज जो, तो उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, उनको लोग बहुत चाहते थे पाकिस्तान में, लोग जानते भी बहुत थे और बड़ा रसूख रखते थे, पाकिस्तान के सब ऊँचे लोग सब उनको जानते थे, उनको भेजा भी इसीलिए गया था कि संबंधों की एक अच्छी शुरुआत हो रही थी। तो हम लोग सब खड़े थे, सुनील गावस्कर भारतीय टीम के कप्तान थे, वो भी पास में खड़े थे। तो शाम के वक्त जब लोग आ रहे थे मेहमान लोग, तो अचानक एक आवाज़ उठी कि वो आ गई। सब आश्चर्य से देखा कौन आ गई भाई, मैं भी लड़का ही था तब तो छोटा था उम्र का, तो मैंने भी देखा कौन आ गई भाई, तो मैंने देखा एक मध्यम वर्गीय मध्यम जिसकी उम्र थी अधेड़ उम्र की महिला, लेकिन बड़ी ग्लैमरस वो आई वहाँ पर और तब महाराज ने सुनील गावस्कर का परिचय कराया उनसे कि ये सुनील गावस्कर हैं, भारत के कप्तान हैं, दुनिया के सबसे अच्छे ओपनिंग बैट्समैन हैं, आप तो इन्हें जानती ही होंगी। तो महिला ने कहा कि नहीं, मैं तो इन्हें नहीं जानती, मैं तो केवल इमरान खान और ज़हीर अब्बास को जानती हूँ। तो यार फिर पका गए महाराज थोड़े से, उन्होंने फिर सुनील गावस्कर से कहा कि भाई कोई बात नहीं, ये नहीं जानती लेकिन आप तो इन्हें जानते ही होंगे, ये मल्लिका है तरन्नुम नूरजहां है। तो सुनील गावस्कर कद के जितने छोटे हैं ना, जितने ऊपर हैं ज़मीन से, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर रहते हैं, उनकी बुद्धिमानी इतनी है और वो समझ गए थे कि वो मुझे जानती थी लेकिन फिर भी जानबूझकर कहा कि नहीं जानती। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इन्हें नहीं जानता, मैं तो लता मंगेशकर को जानता हूँ। तो ये एक विदेशी भूमि पर जाकर ये साहस बहुत कम लोग दिखाते हैं, अपने देश में तो बहुत तरह की बातें करते हैं लेकिन जब विदेशों में जाते हैं ना तब वो दब जाते हैं, तब उनका चरित्र उभर कर नहीं आता। और ऐसा चरित्र वो ही दिखा सकता है
जिसमें ईमानदारी से आगे बढ़ने की तमन्ना हो, जैसे कि सुनील गावस्कर में थी। तीसरी बात तो मैंने देखा कि बंबई के जितने क्रिकेटर्स आते थे ना, उनको सिखाने की कोशिश करते थे। सचिन तेंदुलकर जब शुरू शुरू में आए थे और वो आउट हो जाते थे, मैं कमेंट्री करता था, ये भी कमेंट्री करते थे, ये नाराज़ होते थे कि यार इससे कैसे आउट हो गया। फिर शाम के वक्त सचिन को डांट कर बुलाते थे कि भाई चलो देखो तुमने ये गलती की, तुम्हारा बैट ऐसा सीधा आना चाहिए था, है ना, थोड़ा मुड़ जाता है। ये तमाम चीज़ें तकनीकी बातें, मतलब उनको लगता था जैसे दूसरी पारी वो सचिन के थ्रू खेल रहे हैं। तो ये जो उनकी बात देखी कि अपना ज्ञान अपने तक नहीं रखना। मैंने देखा कलाकार जो होते हैं ना स्वार्थी होते हैं साधारणतः, और ज़रूरी भी है स्वार्थ, किसी भी क्षेत्र के कलाकार के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो स्वार्थी हो, स्वार्थी नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा हम कला के प्रति। लेकिन साथ ही उसको ये भी सोचना चाहिए कि मेरी कला मैं दूसरों को भी दूँ। ये सुनील गावस्कर की मुझे बहुत बड़ी विशेषता दिखाई दी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात जो साहस की है कि इतना बड़ा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, कुछ भी अगर कहीं कुछ हो जाता है, किसी की हिम्मत नहीं। सुनील गावस्कर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो सही बात को सही परिप्रेक्ष्य में रखने से चूकते नहीं, कि कहाँ कौन गलती कर रहा है ये बताने से चूकते नहीं। तो ऐसे साहसी लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ढुलमुल लोग जो होता है ना एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आपको साइड्स लेनी ही पड़ेगी, आपको बताना ही पड़ेगा कि ये बात सही है और ये बात गलत है। ऐसे लोग कम हो गए हैं आजकल दुनिया में। लेकिन मैंने देखा ये उनकी विशेषता, जो शायद मैंने कभी कहीं कहीं भी नहीं, ये उनकी विशेषता मुझे दिखाई दी। और सबसे आखिरी बात, जो एक बार दक्षिण अफ्रीका में कमेंट्री के लिए गए थे, हम बैठे थे वहाँ पर, तब वो कहने लगे कि शाम को हमारे कमरे में गुफ्तगू होती थी, यशपाल शर्मा भी रहते थे, अब रहे नहीं यशपाल जी, तो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मोहिंदर अमरनाथ भी थे, मनिंदर सिंह भी थे। एक शाम को सुनील गावस्कर ने एक बड़ी चौंकाने वाली बात की। देखिए लोग बड़ा मानते हैं कि ये बड़ा पेशेवर आदमी है, पैसे के सिवा बात नहीं कर, लेकिन जब उनका रूप जो मैंने देखा उससे उनके प्रति मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई। उन्होंने कहा कि देखिए दुनिया मुझे सबसे बड़ा ओपनिंग बैट्समैन कहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि, और ये सब सुन सुन के मेरे कान पक गए, मैं समझता हूँ कि आखिरी वक्त जब भी आए तब चार लोग अगर ये भी कह सकें कि ये बड़ा आदमी था या अच्छा आदमी था, तो मैं समझता हूँ जीवन सफल हो जाए। तो ये जो बात है ना, इसका मतलब ये है कि बड़ा आदमी होने से या लोकप्रिय आदमी होने से या धनवान आदमी होने से भी बड़ी बात होती है अच्छा आदमी होना। तो ये जो सीख है ये हर पीढ़ी के लिए मददगार है। मैंने भी सीखा इस बात से, और मैं भी कोशिश करता हूँ एक बेहतर इंसान बनने की। सर आपने एक पॉइंट बोला था कि लाइफ में हार जीत तो लगी रहती है, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। 50 ईयर्स में कभी ऐसा हुआ डाउनफॉल आया आपके करियर पॉसिबिलिटी? हाँ, होता है कई। उससे कमबैक कैसे हुए? नहीं, ये बहुत ये होता है जीवन में। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जीवन यात्रा आपकी अकेले की जीवन यात्रा है जी। आप सोचते हैं कि ये मेरी मदद कर देगा वो या वो मेरी मदद कर देगा, तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा, और जो करेगा तो सती ही रहती है। कर भी दे तो आपकी किस्मत अच्छी है, आपके पुण्य कर्म पुराने जन्म के शायद अच्छे हैं, तो कोई आपके प्रति सहानुभूति बरतता, बट ऐसे बहुत कम होता है। आपको अपनी मजबूती और अपनी कला के प्रति समर्पण और अपने काम के प्रति ईमानदारी और साहस ये दिखाना ही पड़ता है। और मैंने ये देखा कि वैसे तो मैं बिल्कुल दुबला पतला आप देख ही रहे हैं ऐसा लगता है कि दबू किस्म का इंसान होगा, संकोची किस्म का है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जब घिर जाते हैं ना, मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तब वो एकदम उभर कर आते हैं। मैं समझता हूँ मुझ में भी यही बात है। इसका कारण शायद ये रहा होगा कि हम मध्यम वर्गीय परिवार से उठकर आज खड़े हुए और आज अच्छा नाम कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, सब ठीक है, ईश्वर की कृपा है। तो इससे भी होता है कि जब आप साहस के साथ और परिस्थितियों से घिरने के बावजूद आप आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की योग्यता दिखाने लगते हैं। सर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की यदि मैं बात करूं, और आपने इतनी सारी टीम्स को देखा है, तो ऐसी कौन सी टीम है जिसमें आप इस क्वेश्चन को, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को, सबसे हाई रेट करेंगे, एंड क्यों, मतलब क्या देख रहे हैं आपने उसमें? नहीं देखिए, टीमों की तरह तो नहीं कह सकते, इंडिविजुअल्स हो। देखो 11 खिलाड़ी मिलकर एक टीम बनाते हैं, उसमें से जो नेता रहता है ना
जो नेतृत्व बड़ा आदमी जो रहता है, जिसकी बड़ी इज्जत रहती है, जो काफ़ी नामी आदमी रहता है, जिसकी दुनिया इज्जत करती है, ऐसे लोग जब कुछ कर दिखाते हैं तो आपको लगता है कि ये जो है उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर एक मामूली क्रिकेट खिलाड़ी उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा तो उसका चारा क्या है जी? अब जैसे गरीब आदमी कहे कि पैसे का कोई महत्व नहीं है, तो उसका क्या महत्व? पैसे का महत्व तो तब होता है जब अमीर आदमी पैसा दान कर दे, तब लगता है कि भाई जिसके पास पैसा ही नहीं वो दान ही नहीं कर पाता है, तो वो क्या कहेगा कि पैसे से मुझे नफरत है ना? तो ये जो चीज़ रहती है साहब, मैंने देखा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, गुंडप्पा विश्वनाथ, एक जो टेस्ट मैच 50वां टेस्ट मैच जब भारत खेल रहा था तब इंग्लैंड के खिलाफ, और गुंडप्पा विश्वनाथ कप्तानी कर रहे थे उस मैच में, टेलर जो ऑस्ट्रेलिया के थे वो आउट हो गए थे, वो आउट दे दिए गए थे और वो जाने लगे, लेकिन विश्वनाथ को लगा कि जो कैच लिया था वो ज़मीन से टकराने के बाद लिया था। उसने उस फील्डर से पूछा कि तुमने क्या ज़मीन से टकराने के बाद, उसने कहा हाँ लिया था लेकिन कोई बात नहीं, तो विश्वनाथ ने कहा नहीं, उन्होंने वापस बुला लिया उसको कि खेल भावना इसको कहते हैं कि इसको वापस बुलाओ। भारत वो टेस्ट मैच हार गया लेकिन दुनिया का दिल जीत गया, और आज भी अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो मैंने देखा कि ईमानदारी, सच्चरित्र और अब उस खेल उस चीज़ के प्रति साधना जिसको आप प्यार करते हैं, ये सब चीज़ें आपको एक इंसान की तरह बेहतर बनाती हैं और एक बेहतर समाज की रचना करती हैं। आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसी, और उसके लिए आप क्या करते हैं? नहीं देखिए, मैं तो अब क्या, मैं अपनी बात तो क्या कहूँ, मैं तो बहुत ही विनम्र साधारण सेवक हूँ हिंदी का, लेकिन देखिए मैंने इंजीनियरिंग किया, सब जानते हैं, मैंने साइंस और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं स्नातक हूँ, तो और जो उद्योग चलता है उसमें अंग्रेजी में ही सब पत्र व्यवहार होता रहता है। अपनी खुद की इच्छा से स्कूल में एक तो बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते थे, तो उसके कारण हिंदी के प्रति बड़ा प्रेम जागृत हुआ और देश प्रेम भी जागृत हुआ। वो वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था इंदौर में, तब मानव धर्म नाम का एक अब वो भी पढ़ाते थे पाठ, तो उस पर हमारे चरित्र का बड़ा विकास हुआ और वहाँ पे हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती थी। तो सारे उपन्यास जितने भी हिंदुस्तान के सब हिंदी के, सब मैंने पढ़े 8वीं 9वीं क्लास में, और हिंदी के प्रति बड़ी एक दिलचस्पी जागृत हो गई थी, तो मेरा लेखन यूँ भी ठीक था। और दूसरी बात होती है कि माता पिता का आशीर्वाद, और जिस क्षेत्र में आप अच्छा करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको बढ़ावा देने की उनकी इच्छा। देखिए हम बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से रहे, मेरे ख्याल से 15 रुपये महीने के मकान में किराए से रहते थे इतवारिया बाजार में हुकमचंद मार्ग पर, वहाँ से बढ़ाकर आज अगर 100 आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ तक बढ़ना और बेदाग तरीके से बढ़ना, देखिए बढ़ तो भाई कई लोग जाते हैं लेकिन बेदाग तरीके से बढ़ना जिसमें आप के नाम पर कोई धब्बा नहीं हो, तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। और हम अपनी जड़ों को, ये हम अपने आप की प्रशंसा नहीं, अपने जड़ों की प्रशंसा, जो हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा। और देखिए उनको क्रिकेट में दिलचस्पी थी। छोटी सी कहानी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं 13 साल का था और बचपन में क्रिकेट खिलाड़ियों के फ़ोटो इकट्ठे कर किया करता था। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी रिची बेनो के नेतृत्व में, और वह शायद 8वीं कक्षा में कुछ पढ़ता था, और उस समय मैंने ज़िद पकड़ी कि मैं तो टेस्ट मैच देखना चाहता हूँ बम्बई का, और ऑस्ट्रेलिया रिची बेनो की टीम आई हुई थी विश्व चैम्पियन, इनके फ़ोटो में इकट्ठे करता था एल्बम में। तो माँ ने एक झापट रसीद किया कि अब इतने पैसे कहाँ हैं, कहाँ से जाओगे तुम, सवाल ही नहीं है जाने का, और टेस्ट मैच देखना कर नहीं सकते, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। लेकिन बाबूजी जो हमारे थे उनको लगा कि, उनको क्या लगा कि यार बच्चा दुखी हो जाएगा, बाप का दिल ही ऐसा होता है, बाप होता ही ऐसा, अब हम बाप बन गए हैं तो महसूस करते हैं। तो पिताजी ने कहा कि नहीं मैं ले चलता हूँ। उनको क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी लेकिन बेटे में दिलचस्पी थी, वो बम्बई ले गए। 4 दिन तक हम पिता पुत्र स्टेडियम के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे, हमको टिकट नहीं मिला कहीं, और हम घुस भी नहीं, उनको पता ही नहीं था कि 50,000 लोग अगर अंदर बैठे हैं तो 50,000 लोग बाहर खड़े घुसने की तमन्ना लिए। तो जैसे तैसे पुलिस वाले को हम पर दया आ गई और उसने फिर हमको कहा, पिताजी को कहा कि आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, बेटे को मैं अंदर चाय पान के बाद भेज दूंगा, और आप मैं जानता हूँ आप 4 दिन से भटक रहे हैं, उसने हमको पहचान लिया।
तो फिर उसने ठेल दिया अंदर। अब मैं 13 साल का था, मैंने ये भी नहीं सोचा, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहेंगे। मैं तो फुदकता हुआ अंदर चला गया खुशी में। टेस्ट मैच देखा, नॉर्मन ओनील को देखा, नील हार्वे को देखा, रे लिंडवाल को देखा, तो बापू नाटकर्णी को देखा, तबीयत खुश हो गई जिनके फोटो में इकट्ठे करता था। और तब मेरी दृष्टि पड़ी कमेंट्री बॉक्स पर, जहाँ के विजय मर्चेंट और तलियार खां कमेंट्री कर रहे थे। मैंने देखा यार क्या बढ़िया जगह है, बिल्कुल गेंद की लाइन में बैठे हुए, यार मज़ा आ गया है। तो ऐसी जगह कभी बैठने का मौका मिल सकता है? और तो देखिए, कई बार मैं कहता हूँ जंगली सपने जो सच होते हैं ना, कई बार ऐसे सच होते हैं कि उसी ब्रेबोन स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला टेस्ट मैच 1972-73 में जब टॉनी लुइस की टीम आई भारत में, तो ये मैं कहानी कभी नहीं भूलता। तो ये अपनी जड़ों का जो जो योगदान रहता है ना, लोग भूल जाते, जो माता पिता अपनी उंगली पकड़कर आगे बढ़ाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो उन उंगलियों को छोड़ देते हैं लोग। तो मैं हमेशा युवाओं को यही कहता हूं कि उन उंगलियों को थामे रखिए। जी सर, किस खिलाड़ी के अगेंस्ट आपको कमेंट्री करना बहुत मज़ा आता? नहीं, कमेंट्री तो देखिए, जब खेल में कुछ हो रहा हो ना, रोमांच होता है जी, कुछ विशेष घटता है। जैसे कपिल देव जब बैटिंग करते थे ना, कुछ न कुछ घटित होता ही था। गेंद हवा में जाती थी, कहीं स्निक लग जाती थी, कहीं चौका लग जाता था। जब आपको लगता था कि अब सब कुछ काम, लोग इकट्ठे हो, इयान बॉथम, सुनील गावस्कर के अगर तकनीक देखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने भेजा, बैट और पैड एक लाइन में, एक लयपूर्ण तरीके से, जैसे ये प्रकृति जो चल रही है उसमें एक लय में ये भी समाविष्ट है, ये भी उसमें शामिल है उस लय में, इस तरह से खेल। तेंदुलकर कि जिस तरह से वो बॉलर को मामूली दिखाने की उनकी जो क्षमता थी कि किसी भी तरह के विकेट पे किसी भी गेंदबाजी के खिलाफ वो उसको मामूली साबित कर ही देते थे। तो ये अद्भुत, मतलब ऐसे लोग होते नहीं, ये जो चीज़ है। और इस बात पर, तेंदुलकर की बात पर, मैं कहना, मदन लाल मेरे बड़े मित्र हैं, 1983 के जो शिल्पधार थे जीत के, सब जानते हैं भारतीय टीम विश्व कप जीती थी, तो मुझसे अक्सर मिलते रहते हैं। तो मुझे कहते हैं कि दिल्ली में यार जितने भी लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि साहब हमारे लड़के को तेंदुलकर बना दीजिए सर, ये सिखा दीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं उनको कहता था कि तेंदुलकर 100 साल में एक दफ़े बनता है, हर आदमी तेंदुलकर बन सकता है क्या? आप तो ये सोचिए कि आप जो हैं, आपका सर्वश्रेष्ठ मैं पेश कर सकता हूँ। तो ये जो बात है हम सबको सीखने की कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ, बजाय इसके कि हम किसी से तुलना करके आगे बढ़े, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, हमारे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कोई अपील? नहीं, यही है कि खुली आंखों से सपने देखिए, बंद आंखों से देखे गए सपने कभी पूरे नहीं होते। खुली आंखों से यथार्थ वाले सपने देखिए जो पूरे हो सकें। तुलना मत करिए, तुलना करने से आप नीचे गिरते हैं। और तीसरी बात ये कहना चाहूँ, मेहनत से कभी घबराइए मत। अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और आपकी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ ज़रूर हासिल होगा। जैसे सुनील गावस्कर ने कहा कि 90% मेहनत, 10% प्रतिभा। तो आप में जो भी प्रतिभा, अपना 90% तो लगाइए, उसके पहले शिकायती रवैया नहीं रखिए। जिंदगी में शिकायती रवैया मत रखिए, शिकायत का स्वर नहीं। इफ़ यू आर ग्रजिंग दैट मीन्स, उसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं दिल में अंदर से कहीं ना कहीं खोट है, है ना, आप अपना सही आकलन नहीं कर रहे हैं। सर, कमेंट्री जब आप करने जाते थे तो इज देयर एनी होमवर्क या कुछ बैकग्राउंड में आप कुछ करते थे, या इट्स वेरी इजी कि वहाँ जाके बैठ गए? मतलब देखने में तो ऐसे ही लगता है कि वहाँ बैठे और आपको देखा, हाल आप सुना रहे हैं, बट बैकग्राउंड में क्या क्या प्रिपरेशन चलती है आपकी? देखिए, कमेंट्री करना सरल भी है और कमेंट्री करना बहुत मुश्किल भी है। मामूली कमेंट्री करना बहुत सरल है क्योंकि आपको जो कुछ दिख रहा है आपको बोलना है जी, लेकिन दिल को छूने वाली कमेंट्री करना बहुत मुश्किल है। और वो तभी हो सकता है जब आप दिल से चीज़ों को महसूस करें और इस तरह बोलें कि लोगों के दिलों को छुएं। आप खुद महसूस करके बोलेंगे तभी आप लोगों को महसूस कराएंगे। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ध्यान भंग ना हो, एकाग्रता आपकी बराबर बनी रहे। और छोटी छोटी घटनाएं जीवन में होती हैं, वो आपको विचलित करती हैं। कई दफ़े घर में कुछ समस्या है तो विचलित करती हैं, व्यवसाय में कुछ समस्या है तो विचलित करती हैं। तो इन सब समस्याओं से परे होकर मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि जब कमेंट्री करने गए तो दुनिया को भूल जाने का है जी। काम करना है
हरी शरण आए तो हरी का ध्यान, तो आप कमेंट्री करने गए, कमेंट्री करना है, अपना सर्वश्रेष्ठ वहाँ पर लगाना है। मैं ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करता, खान पान का ज़रूर मैं ध्यान रखता हूँ, आवाज़ का ध्यान रखता हूँ, मॉड्यूलेशंस का बड़ा ध्यान, मॉड्यूलेशंस की कला बहुत महत्वपूर्ण होती है कमेंट्री में, उतार चढ़ाव, जैसे मैं बोल रहा हूँ छोटे छोटे वाक्य है ना, मीठे वाक्य, और जैसे आप अपनी प्रेमिका के कानों में फुसफुसाते हैं मीठा मीठा, वैसा बोलिए भाई, आपके दुश्मन थोड़ी है जो सुन रहे हैं, मीठा मीठा बोलिए और ऐसा बोलिए कि उनको गुदगुदाते रहिए, और उसमें कुछ मज़ेदार अंश भी जोड़िए, जैसे ह्यूमर भी जोड़िए, सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मजाक या तत्व भी कुछ ऐसे जोड़िए ताकि कोई आहत ना हो। आजकल मजाक में लोग आहत ज़्यादा करते हैं और मुस्कुराहट कम फैलाते हैं, तो वो नहीं करना, ये सब ध्यान रखना है। सर आपने हरी की बात करी, मैं आपको हरी की तरफ ही उन्मुख करूंगा, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर यू? देखिए स्पिरिचुअलिटी मनुष्य में वो है जहाँ से मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ, जैसा मैंने कहा कि ईश्वर की कृति है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित कर सकता, उसमें वो योग्यता है। लेकिन जो बाहरी आवरण जितने हैं जिसमें लस्ट, ग्रीड यानी काम, क्रोध, मद, मोह, ये सब चीज़ें आपको दुनिया में भटकाने के लिए हैं। जैसे हाफ फॉली मिलती है, आप चौके के लिए आगे निकल आते हैं, विकेट खो देते हैं, है ना, तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो आपको आहत करती रहती हैं, इंसान के तौर पर आपको नीचे गिराने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन आप एक मनुष्य की तरह असली सुख प्राप्त करना है, वो स्पिरिचुअलिटी है कि अपनी सीमाओं में रहकर आप कैसे आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट से बढ़िया इसमें कोई उदाहरण नहीं, एक वास्तव में मैं एक किताब ही लिख रहा हूँ अभी कि क्रिकेट एंड स्पिरिचुअलिटी, तो ये पूरी किताब ही इस पर रचना कर रहा हूँ, तो मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे किताब लिख रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है उसमें। सर लाइफ में कोई ऐसी एडवाइस जो आपको मिली है जिसको आप हमेशा याद रखते हैं, और किसने दी वो एडवाइस, बेस्ट एडवाइस आपकी लाइफ की? नहीं, बेस्ट एडवाइस तो यही है कि कितना भी आगे बढ़िए विनम्र रहिए, अपने मुंह से प्रशंसा मत करिए, लोगों को करने दीजिए, है ना, और दूसरा आहत मत करिए, क्योंकि क्या होता है आदमी आज आहत होता है उसकी गूंज बरसों तक रहती है, एक दिन उसने मुझे ये कह दिया था। जहाँ तक बने जीवन में सरल रहिए, और सरलता से ज़्यादा कठिन वस्तु कुछ नहीं है, देखिए आप सरल रहने की कोशिश करिए, और सरल अगर रहे तो सरल तभी रह सकते हैं जब आपका हृदय स्वच्छ हो, और हृदय स्वच्छ करने के लिए अपने व्यवहार, आचार, आपकी इससे बहुत सारी चीज़ें, आपके व्यक्तित्व की कैसे गढ़ा गया है, आपके माता पिता ने आपको कैसे पाला है, और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों ने भी आपको सिखाया कुछ भी, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, चाहे गुरुजन हो, माता पिता हो, कभी मत भूलिए। वन ऑफ माई लास्ट क्वेश्चन सर, ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई एक्सपीरियंस इस पूरे 50 साल में जो आपको जब जब आप उसको याद करते हैं वो रोमांचित, मतलब वो आप रोमांचित हो जाते हैं और इससे हम सभी को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा? नहीं देखिए, एक 1979 की बात है कि इंग्लैंड हम लोग गए हुए थे, और तब गावस्कर ने 221 रन बनाए थे, वो कमेंट्री भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी जी। और तब देखिए मैं काफ़ी युवा था, 1979 में आप समझ सकते हैं मैं काफ़ी छोटा था, और एक कमेंटेटर की तरह यूँ तो बड़ा था, लेकिन एक कमेंटेटर की उम्र बड़ी, काफ़ी बड़े और मैच्योर्ड लोग कमेंट्री करते हैं, तो उस हिसाब से मैं काफ़ी यंग था, तो मैं कमेंट्री कर रहा था, और आशीष रॉय जो सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदार भी हैं वो मेरे साथ अंग्रेज़ी में कमेंट्री करते थे। तब उन्होंने कहा था कि भाई, वो कमेंट्री कर रहे थे, मैंने सोचा, देखा कि कुछ लोग जा रहे हैं, भारत को 438 रन बनाने थे जीतने के लिए, और भारत जीत के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया था, गावस्कर ने 221 रन बना लिए थे, चेतन चौहान और गावस्कर की एक बड़ी भागीदारी हो गई थी, तब कुछ लोग जा रहे थे मैदान से, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कुछ लोगों से पूछूंगा, भाई आप मैच कैसे छोड़ सकते हैं, इतना रोमांचकारी मैच चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्टेज पर लोग अंदर आते हैं आप बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई वी हैव हार्ट प्रॉब्लम और आवर डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड अस नॉट टू गो थ्रू सच प्रेशर्स इन लाइफ, तो अपने दिल में जब ऐसा रोमांच हो, तब एक बात ये भी है कि जीवन में कैसा भी प्रलोभन हो, लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानना, अपनी सीमाओं में रहकर सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करना और उसी हिसाब से आचरण करना, लोभ में नहीं आना कि मैच कैसा भी हो, तो वो छोड़ दिया। तब मैंने कमेंट्री में कहा था, मुझे याद है, मैंने सोचा जो चीज़ यहाँ मौजूद है
वो उन लोगों के सामने भी है जो इस मेरे आंखों देखा हाल सुन रहे। तब तो एक एक कमेंट्री बॉय, मतलब लोग एक पान वाले की दुकान पे 500-500 लोग खड़े होते थे कमेंट्री सुनने के लिए। अद्भुत दौर था रेडियो कमेंट्री का, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा था उस दिन। और मैंने सोच, मैंने तब कहा कि जिन लोगों के दिल कमज़ोर हों वो अब आँखों देखा हाल शायद नहीं सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ये रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। तो ऐसा जब कहा था तो वो इतना वाक्य मशहूर हो गया, आज तक लोग उसको कहते हैं। वो बहुत ही वो कमेंट्री मशहूर हो गई, आज तक लोग याद करते हैं। देखिए आजकल के तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में लोग कल की बात भूल जाते हैं, लेकिन 1979 की कमेंट्री, हिंदी कमेंट्री वो भी आज याद रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, पद्मश्री की उपाधि जब मिली तब भी बहुत रोमांचित, मतलब आपको इतना विनम्र बना देती है। देखिए देश की तरफ से मिलता है ना, तो आपको लगता है कि यार तो मामूली लड़के थे, अपन तो कमेंट्री कर रहे थे, इतना कैसे सम्मान मिल गया। आप आश्चर्य भी करते हैं फिर विनम्र भी हो जाते हैं, और ये विनम्रता आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद देती है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय हमें इस चर्चा के लिए दिया, बहुत मजा आया। धन्यवाद चर्चा के लिए। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा। मुझे जो लगता है, विनम्रता, अपनी सीमाओं को ध्यान में रखें, और हर एक व्यक्ति यूनिक है, उस यूनिकनेस को पहचाने और उस पर काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमसे जरूर शेयर करें। इस कॉन्वर्सेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं, और हम जल्दी मिलते हैं अगली पर्सनालिटी से और बात करते हैं इसी टॉपिक पर। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।